आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह समेत चार हस्तियों को भारत रत्न राष्ट्रपति भवन में हुआ समारोह। आप कुछ भी हो, मिट्टी देने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं, गाजीपुर डीएम से मुख्तार के भाई की बहस। मीरा कुमार के बेटे तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद, बिहार के लिए कांग्रेस की लिस्ट में, इन नामों की चर्चा। आयकर विभाग के सबूत ने बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, कमलनाथ भी रडार पर। कैलाश गहलोत 5 घंटे बाद ईडी दफ्तर से निकले, शराब घोटाले में हुई पूछताछ। कनाडा में गिरफ्तार हुई पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन की क्रू सदस्य, अब झेलना पड़ा निलंबन। शहबाज शरीफ को बाइडेन का लेटर, किसी पाक पीएम को लिखा पहला पत्र। भारतीय जमकर ले रहे हैं लोन, बैंक भी हाथों हाथ दे रहा है रुपया। मौत के मुंह से बाहर आई थी रूबीना दिलेक की बेटियां, 3 घंटों तक रोई थी एक्ट्रेस। और T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल, बाबर आजम की एंट्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और जननायक कर्पूरी ठाकुर समेत 4 हस्तियों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। बीमारी के चलते बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इस समारोह में भाग नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में समाजवादी आइकन और पूर्व PM चौधरी चरण सिंह, पूर्व PM PV नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया है। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में उसके पैतृक गांव में सुपुर्द एक खाक कर दिया गया, लेकिन इस दौरान उसके बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी की प्रशासन और अधिकारियों से तीखी बहस हो गई। इस दौरान अफजाल अंसारी बेहद गुस्से में नजर आए। दरअसल सुपुर्द एक खाक की प्रक्रिया के दौरान गाजीपुर की DM आर्यका अखोरी ने अफजाल अंसारी से केवल परिवार के सदस्यों को ही कब्रिस्तान के अंदर ले जाने को कहा। इस पर अफजाल ने कहा कि अगर दूसरे लोग भी मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इस पर DM आर्यका अखोरी ने कहा कि मैं DM हूं, इसके लिए इजाजत नहीं ली गई है। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारा हो चुका है। लालू यादव की राजद 26 और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट दलों को 5 सीटें मिली है। राजद ने अपने खाते की लगभग सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी है। कांग्रेस चुनाव समिति की 31 मार्च को दिल्ली में बैठक होनी है, जिसमें बिहार के लिए प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो इसी दिन कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। किशनगंज से वर्तमान सांसद मोहम्मद जावेद का नाम इस बार भी लगभग तय माना जा रहा है। भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा के नाम की चर्चा है। कटिहार से तारिक अनवर कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। पटना साहिब सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत और राजकुमार राजन के नाम की चर्चा है। वहीं समस्तीपुर सीट से पूर्व IPS VK रवि और अशोक राम दावेदार हैं। कांग्रेस को आयकर मामले में विभिन्न न्यायिक निकायों से किसी भी प्रकार का स्टे नहीं मिल पाया है। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि विभाग ने अदालतों में विस्तृत और पुष्ट सबूत पेश किए हैं। सबूत में कहा गया है कि पार्टी को 2013 और 2019 के बीच 626 करोड़ कैश प्राप्त हुआ। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की ओर से IT की कुल मांग 2500 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच सकती है। सूत्रों ने कहा कि यह अप्रैल 2019 में आयकर छापों का परिणाम है, जिसमें कांग्रेस द्वारा मेघा इंजीनियरिंग और एक कंपनी से नगद प्राप्तियां दिखाई गई, जो कमलनाथ के सहयोगियों की करीबी बताई जाती है। सूत्रों ने बताया कि कई वर्षों में नकदी की कुल प्राप्ति 626 करोड़ रुपए थी। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले में मुश्किलें कम नहीं हो रही। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा था। एजेंसी ने उन्हें आज यानी शनिवार को पेश होने का निर्देश दिया। ईडी के समन के बाद कैलाश गहलोत ईडी के ऑफिस पहुंच गए।
उनसे पूछताछ की जा रही है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेताओं को जांच एजेंसियां पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा था जिन्होंने शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था। यह मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA ने अपनी एक क्रू सदस्य को निलंबित कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि निलंबन के बाद उन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी तैयारी हो रही है। दरअसल हिना सानिक पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी वजह एक व्यक्ति का पासपोर्ट अपने पास रखा जो कि गैर कानूनी है। इसके बाद कैनेडा के कस्टम विभाग के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। यह घटना ऐसे समय में घटित हुई जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस क्रू सदस्यों की कमी की समस्या से जूझ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में पहली बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। बाइडेन ने 2018 में कुर्सी संभालने के बाद पाकिस्तान के किसी PM के साथ कोई बात नहीं की थी। शहबाज शरीफ को लिखे अपने पत्र में बाइडेन ने कहा, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच साझेदारी हमारे लोगों और दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में बढ़ते संकट पर इस्लामाबाद को आश्वासन दिया है कि वह आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए उसके और शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि हमारे और दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच अस्थायी साझेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों और खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। माना जाता है कि दुनिया में भारतीय घरों में सबसे ज्यादा सोना है। भारतीय परिवारों के पास 27,000 टन सोना होने का अनुमान है। अब भारतीय इस सोने का इस्तेमाल लोन लेने में खूब कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों ने 53 टन यानी 53 लाख किलो सोना गिरवी रखकर वित्तीय संस्थाओं गोल्ड लोन लिया है। देश में गोल्ड लोन का बाजार करीब 15 लाख करोड़ रुपए का है और यह सालाना 17% के दर से बढ़ रहा है। RBI के नियमों के मुताबिक बैंक या फिर NBFC सोने की ज्वेलरी के कुल वैल्यू का 75% तक गोल्ड लोन दे सकते हैं। छोटी बहू से मशहूर हुई एक्ट्रेस रुबीना दिलेक आज दो बेटियों की मां है। पिछले साल रुबीना ने दो जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। उन्होंने कई महीनों तक अपनी प्रेगनेंसी दुनिया से छिपाकर रखी थी। पहले ट्राइमेस्टर में एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हो गया जो किसी भी होने वाली मां को अंदर से हिला सकता है। पिछले साल जून में रुबीना दिलेक की कार का एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त शक्ति एक्ट्रेस प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में थी। इस एक्सीडेंट में उनके बच्चे बाल बाल बचे थे। एक हालिया इंटरव्यू में रुबीना ने उस फेस को याद किया है। उन्होंने बताया कि जब उनके साथ यह सब हो रहा था तो वो 3 घंटे तक रोई थी। भारत की मेजबानी में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा भूचाल मचा हुआ है जो अब तक खत्म नहीं हो रहा है। पहले कोच और कई अधिकारियों ने पद छोड़ा। इसके बाद बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी। फिर T20 में शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया गया जबकि टेस्ट में शान मसूद को कप्तानी सौंपी गई। मगर T20 में पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन और भी खराब हो गया। ऐसे में अब खबर आ रही है कि जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले आफरीदी को T20 कप्तानी से हटाकर बाबर को फिर कमान सौंपी जा सकती है। इन सब के बीच आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के रवैये से खासा नाराज नजर आ रहे हैं।